महावीर अंजन सुवन में धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो काम पिछारी कीजिए और पहले लीजिए नाम, बगर प्रभु के नाम के सुबने न कोई काम। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, सोनोटेक कैसेट कंपनी की तरफ से ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष लेके चल रहे हैं। परम भक्त हरदौल के जीवन की कहानी की ओर देखते हैं, किस तरह से धर्म के पीछे कुमार हरदौल ने अपनी जान दे दी और किस तरह से मरे हुए भैया ने अपनी बहन को भात पहराया। आइए देखते हैं परम भक्त हरदौल की कहानी में। संबत 1601 में जब देश हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों का शासन था, तब ओरछा के बीच में एक राजा थे जिनका नाम था वीर सिंह। आर नगर ओरछा गाम बनो शुभ धाम कहीं ना जाई, औजा वीर सिंह से राजा रे के राजन में बलदाई। सभा के भाई जहां वीर सिंह सो राजा रे के हुई गौ है बलदाई। नगर ओरछा के बीच में जो महाराज वीर सिंह राज करते थे, उनके जन्म में दुई लाल सुनो कर ख्याल हाल रोगाई। जक यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग लहराई, उनके जन्म में दुई लाल सुनो कर ख्याल सभा के भाई सभा के भाई। यश की रति की ध्वजा स्वर्ग लहराई स्वर्ग लहराई। नगर ओरछा के बीच में जो महाराज वीर सिंह रहते थे और महाराज वीर सिंह के दो लड़का थे और दोनों लड़कों के बीच में एक लड़की और थी जिसका नाम था कुंजावती और जो दतिया में ब्याही थी। हुआ ऐसा दोनों बालक जो थे महाराज वीर सिंह के, इनके नाम क्या थे? जेठा भैया वो जुधार सिंह था बलदाई, हरदौल कुमार छोटे थे वीरन अति सुखदाई। बड़े लड़के का नाम था जुझार सिंह, छोटे पुत्र का नाम था हरदौल। महाराज कुमार हरदौल बड़ा परवीन, ए कोमल चित्त निहार रहे नित राम चरण लौलीन। बारे सांवरिया बारे बनबारी चलिए तो गंगा मैया नहाई, जम निर्मल हो मेरे शरीर बारे सांवरिया चलिए तो गंगा मैया नहाई, जम निर्मल हो मेरे शरीर बारे सांवरिया। बड़े पुत्र का नाम था जुझार और हरदौल कुमार छोटे थे, लेकिन हरदौल के जीवन में दुख टूट पड़ा जब हरदौल बहुत छोटे थे। कवि ने तो यहां तक कल्पना की है कि जब हरदौल
बहुत छोटे थे बचपन में, तब इनकी मां इन्हें छोड़ करके सदा सदा के लिए सो गई। जब इनकी मां खत्म हुई उस समय बड़े भाई जुझार का विवाह हो चुका था और चंपावती नाम की दुल्हन आंगन में आ चुकी थी। मरने से पहले मां ने अपने बच्चे हरदौल को उठाया और अपनी बहू की गोद में डाल दिया और कहा, बेटी आज से तू इस बच्चे की भाभी नहीं बल्कि माँ है और इसे अपना पुत्र समझ करके इसका पालन पोषण करना। और इतना कहने के बाद में माँ सदा के लिए सो गई। जब माँ खत्म हो गई और उस बच्चे का पालन पोषण हरदौल की भाभी नहीं किया, हरदौल नहीं जानते हैं कि मेरी माँ जिंदा है या खत्म हो गई। और कुछ समय के बाद हरदौल के पिता भी खत्म हो गए। और जब पिता खत्म हो गए तो राजाओं के कुछ ऐसे नियम थे कि जो बड़ा लड़का होता था वही राजा बना करता था। मतलब है कहने का कि कुछ राजाओं की नीति से और काम काज सब चलता था। जो जेठा बेटा होता था वो राज्य का मालिक बनता था। कुछ ऐसा नियम था राजाओं का, जो बड़ा लड़का होता था वही उत्तराधिकारी बनता था। हरदौल के पिता खत्म होने के बाद में अधिकार उसी ने पायो है, अब हंसी खुशी से अपने घर में जिसने समय बितायो है। जब हरदौल के पिता खत्म हो जाते हैं तो हरदौल के बड़े भाई जो थे जुझार सिंह वही ओरछा के राजा बने। हरदौल की भाभी हरदौल को अपना पुत्र मानती है और हरदौल छोटे रहे तब तक समझते रहे यही हमारी माँ है। जब समझदार हुए हैं तब बाद में पता चला कि मेरी माँ तो खत्म हो गई लेकिन मेरी भाभी ने मुझे माँ का प्यार दिया। भाभी जो थी उसे हरदौल के बिना चैन नहीं, हरदौल को अपनी भाभी के बिना चैन नहीं। कैसा हित था दोनों में। अरे भावज चतुर सुजान पुत्र सम्मान खिलाती खाती, जाकि कोमल सूरत देख रे देख भावज हर साथी। कोमल सूरत देख रे देख भावज हर साथी। और है सुख सागर में बहे प्रेम सो रहे मगन दिन राती, देवर भाभी की प्रीति न बरनी जाती। कहने का मतलब यह है हरदौल अपनी भाभी को मां समझते हैं और भाभी अपने पुत्र को पुत्र मानती है न कि देवर। भाभी को पुत्र के बिना चैन नहीं है और पुत्र को भाभी के बिना चैन नहीं है। इतने कैसा पवित्र प्यार था उन दोनों में। हरदौल जो थे, अरे बेटा रुम झुम डोले और हाय मीठी बोली बोले,
सबसे मीठी जो बातें बोले और ना भेद के दिल को खोले। यानी हरदौल और हरदौल की भाभी में जो पवित्र प्रेम है, लेकिन समाज के लोग उसे कुदृष्टि से देखने लगे। कुछ औरतें खड़ी हो जाती हैं तो आपस में बातें करने लगती हैं, बहन हरदौल की भाभी हरदौल को इतना मानती है जितना अपने पति को भी नहीं मानती। दूसरी स्त्री कहने लगी, रानी है कौन कहे, अरे किसी गरीब घर की बात होती तो देख लिया जाता। समाज में चर्चाएं जब गलत चलने लगी, हरदौल के पवित्र प्यार को पाप की दृष्टि से देखने लगे लोग। फिर जो हरदौल के खानदान का चाचा लगता था, वो एक दिन जुझार सिंह के सामने दरबार में पहुंचा। जुझार सिंह ने जो आते हुए देखा, का चाचा जी नमस्ते, तो नमस्ते का उत्तर उसने नहीं दिया। तो जुझार कहने लगा, चाचा कोई भूल हो गई क्या? चोगिला कहने लगा, जुझार तू अपने भैया हरदौल की शादी क्यों नहीं करता? जवाब दिया, चाचा माफ कीजिए, मेरे भैया ने शादी के लिए इनकार कर दिया है और मेरा भैया हमेशा ब्रह्मचारी बन के रहना चाहता है, वो शादी नहीं करेगा। चोगिला कहने लगा, सुनो शादी नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि शादी क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा, कोई और रहस्य है? बोले हाँ, हरदौल कुमार भाभी के संग में ऐसे अरे उड़ावे, ब्रह्मचारी बालक हरदौल को झूठा दोष लगा करके वो नीच बोला। हरदौल कुमार भाबज के संग में ऐसे अरे उड़ावे, दिन रात महल में रहे रे नाया तक कब हूँ आवे। तुम्हारे भैया हरदौल को अब शादी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई हरदौल तुम्हारी स्त्री से मिल चुका है और उन दोनों में इतना प्यार है, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं दोनों मिलकर के तुझे जहर दे के न मार दें। जुझार चौंक पड़ा, चाचा क्या कह रहे हो? बोले हम सच कह रहे हैं। शादी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो राज दरबार में रहते हो, परिवार और दरबार की ओर देखते हो, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारी स्त्री से मिल चुका है, घर घर में चर्चाएं फैली हुई हैं, समाज के लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तुम्हारा भाई और तुम्हारी स्त्री लगता है कि दोनों मिलकर के किसी दिन तुझे जहर देके न मार दें। जो ये वचन सुने जुझार सिंह को क्रोध आ गया, भैया हमारे भैया के बारे में और अगर तुमने जरा भी कोई शब्द कहा तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लेंगे। आपको नहीं मालूम मेरा भैया वो ब्रह्मचारी है जो आज तक मेरी स्त्री को मां मानता है और मेरी स्त्री मेरे भाई को देवर नहीं पुत्र मानती है, और तुम इस तरीका की बातें कर रहे हो। चुगला कहने लगा, जुझार हकीकत है कि तू कितना भोला है, तू कितने अच्छे स्वभाव का है, जो तुझे ये ज्ञान नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। देखो ये सतयुग त्रेता द्वापुर नहीं है, ये कलयुग है। सतयुग में त्रेता और द्वापुर में नियम कुछ और था, आज कुछ और है। बोला है वो नीच, और सतयुग त्रेता द्वापुर में और भाभी को समझे महतारी, अब हाय राम जा कलयुग में भाबज कर लई आधी नारी। जवाब दिया उस चुगला ने, जुझार सिंह तुम कितने सज्जन हो, तुम कितने भोले हो, सतयुग त्रेता द्वापुर में भाबज को समझे महतारी,
अब आई राम जा कलयुग में भावज कर लैया धी नारी। और बोला हरदौल कुमार ने जुलम किया भावज संग ऐसे उड़ाता है, वो पापी है व्यभिचारी है निज कुल को दाग लगाता है। चुगला कहने लगा जुझार सिंह वो समय नहीं है जो तुम समझ रहे हो, क्योंकि यह सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है जब देवर और भाभी के पवित्र रिश्ता थे, लेकिन यह कलयुग है और कलयुग में देवर और भाभी के रिश्ता वो नहीं रहे जो तुम समझ रहे हो, इसलिए मेरी बात मान जाओ। समाज के लोग थूक रहे हैं, दुनिया के लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, अरे तुम्हें इस बात के बारे में मालूम नहीं है जुझार, मैं रहता हूं ना गांव में, मुझे पूछो। और जो ये वचन सुने जुझार सिंह के दिमाग में बात फिट बैठ गई, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि मेरी स्त्री जिसे पाल करके स्याना किया और उसी हरदौल की स्त्री बनकर रह रही है, कोई बात नहीं चाचा, और अगर हमारी स्त्री ने ऐसा कदम उठाया है तो मैं अपनी स्त्री के हाथों से अपने भैया को जहर दे करके मरवा देंगे। कितना सुंदर दूत था मगर उस कुत्ता ने खटाई डाल दी। चुगला चूकत वह नहीं गाय का छाए रोई, चूकत है नहीं गाय कहो चाहे रोई, और घर घर फूट कराई दई करे एक के दुई। सुधार नहीं होता है आदत में, यानी नैन बिना देही है सूनी किला कहा जप तो पन खाई, बालू को महल रुके है कबहू नाए बिना परहेज की कहा दवाई। और बोघर कबहू न पन पी सके जब बालक चोर चटोर लुगाई, अरे बेहनी चमाहा पापी जो झूठी बात पे दे तगवाई। दोस्तों चुगल से मन की बात कहो पर चुगल कबहू नाए चूके गो, अंधे पे भैंसिया कुतवयो कन्नों की ग्यारह कूते गो। पत्ता सूते गो कुत्ता को कितना समझाइयो तो टांग उठाए के मुंह से। हर नयु सर में पी जायो पजता चाहे जितनी खाद लगा, कोई ताल बिगाड़ दे काई ने चुगलन डारे देश बिगाड़। हाँ साथियों गौर करते हैं आगे, जब चुगला ने दोष लगा दिया उस ब्रह्मचारी बालक को, जुझार सिंह कहने लगा चाचा अगर ऐसी बात है तो जिस औरत ने हरदौल को देवर नहीं पति की नजर से देखा तो मैं अपनी पत्नी के हाथों से ही उसे जहर देके मरवा देंगे। चल दिया घर के लिए। और इधर जैसे ही महारानी ने आते हुए अपने पति को देखा
बड़ा सम्मान किया, बहुत सम्मान किया। आरयावत देखे पिया मगन भौहिया खुशी भई भारी, गए हाथ बलम को ले गई के घर में वो घरवारी। और बन सुंदर आसन डारी लय ते बैठारी बलम हितकारी, पंखा ले ढोरत ब्यारी अंगारी ठारी। और या बत देखो जब सैया को पचरंग पलिंगा दो नवाई, और पकड़ी कलाई पति अपने किया आंगन में लये बैठारी। सज्जनों, जैसे ही अपने पति को आते हुए देखा है महारानी ने, बड़ा सुंदर आसन डाल दिया, हाथ पकड़ करके अपने पति को बैठा लिया। श्रीमन आज क्या कारण है? दृगलाल लाल दोनों मसाल सम बरसे, गत देख पिया की थर थर कापी डरसे, महाराज भेदनक दीजो हमें बताए, और किस कारण से आज चेहरा पर रही उदासी छाए। दोनों हाथ जोड़ के बोली, श्रीमन क्या कारण है? आज तुम इतने सुस्त काय को हो? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा चेहरा मलिन कैसा है? बोली कि हर पल कलियों से खिलते थे, और जब जब आंगन में आते थे, बोली है हर पल कलियों से खिलते थे जी, हर पल कलियों से खिलते थे, जब जब आंगन में आते थे। एक नया संदेशा लाते थे, हर बात पे तुम मुस्कुराते थे, अपने पति को, महाराज क्या कारण है तुम्हारे चेहरा पर उदासी काहे को है? तुम इतने सुस्त हो के कभी नहीं आए। या कोई भूल बनी हमसे जिससे चेहरा गमगीन हुआ,
अपने पति से दोनों हाथ जोड़ करके पूछती है, महाराज बोलो ना, पहले जब कभी आया करते थे, बात बात पे हंसने का स्वभाव था तुम्हारा, आज तुम इतने सुस्त काय को हो, उदास काय को हो। आगे बढ़ करके जुझार सिंह कहने लगा, नादान स्त्री, तुझे पति कहते हुए शर्म नहीं आई? समाज के सामने हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है और तू मेरा सम्मान कर रही है? कहने लगी, महाराज क्या कोई मुझसे भूल हो गई? तो जुझार सिंह कहने लगा, सोने और बेहूदी तो कू देख देख रिस उठे जली जाए छाती है। जवाब दिया है जुझार सिंह कहने लगा, क्रोध में आकर के जिस हरदौल को तूने बचपन से पाल करके सियाना किया और उसी हरदौल को तू देवर नहीं अपने पति की दृष्टि से देखती है। देवर संन्यास उड़ाती है तो इलाज शरम आती है। बेहूदी तो को देख देख रिस उठे जली जाए छाती है। हसी कर रहे पुरवासी तेने दई शर्म बिहाई है। जिस गली में जाता हूं उस गली में तेरी चर्चाएं, जहां सुनता हूं वहां तेरी बातें। मैंने कहां समझा था कि तू पतिव्रता नहीं एक बदचलन स्त्री है। पीस करके जुझार सिंह कहने लगा, नादान स्त्री, समाज के लोग क्या कह रहे हैं तुझे नहीं मालूम? दुनिया के लोग थूक रहे हैं, गली में निकलने के लायक नहीं है तू, किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं है तू। जिस हरदौल को पाल करके सियाना किया उसी को तूने अपना पति मान लिया, और दुनिया के लोगों के सामने अगर जाना चाहती है तो तुझे केवल एक काम करना होगा। बोला, हरदौल महला बोला भाइयो रिभो जनने चेहरा मिलाइयो रि। हरदौल महला बोला भाइयो रिभो जनने सामने जीना चाहती है, सर उठा करके जो रहना चाहती है, तो उस पापी हरदौल को जहर देके मार दे, अन्यथा दुनिया के लोग तुझे जीने नहीं देंगे। जो ये वचन सुने, होश उड़ गए महारानी के, खड़ी की खड़ी रह गई। बोली, महाराज ये क्या कह रहे हो? दोनों हाथ जोड़ करके अपने पति से बोली है, महाराज ये क्या कह रहे हो तुम, ये क्या कह रहे हो? हरदौल ने मुझे आज तक अपनी भाभी नहीं मां समझा है और मैंने अपने पुत्र की दृष्टि से उन्हें देखा है। महाराज मैंने क्या कहा? हरदौल तुम्हारो भाई है और देवर वो मेरो प्यारो है। सतवादी है, ब्रह्मचारी है, नादान उम्र को वारो है।
घबरा गई वो अर्धांगिनी, पति के कहीं पैर पकड़ लेती है, कहीं हाथ जोड़ के कहती है, महाराज ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो, हरदौल तुम्हारो भैया है देवर वो मेरो प्यारो है, सतबादी है ब्रह्मचारी है नादान उम्र को बारो है, सबके आखिन को तारो है, निज कुल को चंद्र उजियारो है, मैं सत्य धर्म से कह रही हूं सब झूठो ख्याल तुम्हारो है, जवाब दिया महाराज आप जो कहते हैं बिल्कुल गलत है, ऐसा आज तक नहीं हुआ और ना ही हरदौल मेरे बारे में कुछ सोच सकते हैं, लेकिन सच यह है महाराज, किसी चुगला ने आकर के मुझे यह झूठा अंजाम लगा दिया है, इसलिए श्रीमन अगर तुम्हें इस बात के ऊपर शंका है तो भाई तो तुम्हें नहीं मिलेगा, मेरे जैसी औरतें लाखों मिल जाएंगी, इसलिए मेरी बात मान जाइए। अरे सैया मोए चाय जैसे रे आजा भाई ले, सेरे आजा बाइले, और बेटा को भावना में बुलाइले, से अपनी जिक्र करती हुई कहने लगी है श्रीमन तुम्हारी जैसे इच्छा हो वैसे मेरी परीक्षा ले लो, मेरी जांच कर लो, लेकिन ऐसी बात अपनी जबान पर मत लाओ क्योंकि हरदौल मुझे भाभी नहीं मां समझते हैं, और मैंने आज तक अपने पुत्र को देवर नहीं बल्कि अपना पुत्र समझा है, इसलिए महाराज मेरी बात मान जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, जो तुम कह रहे हो गलत है, बिल्कुल गलत है। दाती को पीस के जुझार सिंह कहने लगा नादान स्त्री, भाई तो मेरा है और अगर उससे तेरा कोई हित नहीं है, तेरा कोई संबंध नहीं है, तो भाई तो हमारा है और मेरे भाई को मारने में तुझे कौन सा कष्ट है, मैं तो केवल यह देखना चाहता हूं अगर तेरा हित नहीं है तो मेरे भाई को मारने में तुझे कौन सी परेशानी, इसलिए मेरी बात सुन ले और समझने की कोशिश कर। अरे हर दौल भवन भुला भाई ले, भोजन में जहर मिलाए दे, हर हर दौल महल बुलावा ले, और भोजन में जहर मिलाए ले, देख जहर बाई मरा बाई दे, जवाब दिया भाई तो हमारा है और मेरे भाई को मारने में तुझे कौन सा कष्ट है, इसलिए मैं तो केवल यह देखना चाहता हूं अगर तेरा कोई हित नहीं है और कोई तेरा संबंध नहीं है तो तू मेरे भाई को जहर देके मार दे। कहने लगी महाराज क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने तुमसे क्या कहा, जो आप कह रहे हो ना बिल्कुल गलत है श्रीमन, बिल्कुल गलत है। अरे काऊ चुगला की बात और आपके गात समाई गई है,
और झूठा ने तुमसे झूठी दुलाया एक अरे कही है मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए महाराज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है अरे कौ चुगिला की बात आपके गात समाई गई है समाई गई है झूठा ने तुमसे झूठी आई कही है महाराज मेरी साक्षी गंगा मात झूठ जे बात उड़ाई दई है दासी तुम्हारी सौगंध खाई रही है रानी तुम्हारी सौगंधे खाई रही है दासी तुम्हारी सौगंधे खाई रही है मैं आपके हाथ जोड़ करके विनती करती हूं श्रीमान आपको नहीं मालूम है किसी चुगला ने किसी जलने वाले ने हमें दोष लगाया है मेरा पुत्र ऐसा नहीं है जैसा आप समझते हैं मैं गंगा माँ की कसम खा रही हूँ मैं आपकी कसम खा रही हूँ जो बात है ये बिल्कुल गलत है आप पता नहीं क्या सोचने लगे दाती को पीस करके जोधार सिंह कहने लगा नादान औरत तू हमारी कसम खा रही है क्यों झूठी बेहा कसम खाई रही मेरी क्यों झूठी रानी कसम उठाई रही मेरी और खा उसी खसम की कसम रे प्रीत है जा संग तेरी बोला अरे प्रीत जा सो तेरी तेरी प्रीत जासो तेरी रानी प्रीत जासो तेरी खा उसी कुमर की कसम रे के प्रीत जासो तेरी मेरी नार रही न सांची सी दर्शाए हर तो लुगो तेरे दिल के बीच समाई तेरे मन में रसिया बसो हरा में लिखाए कुमारेगी तेरे मन में पापी बसो हरा में लिखाए कुमारेगी और लहरा में खाए कुमारेगी जवाब दिया जुझार सिंह ने भाई हमारा है और मेरे भाई को मारने में तुझे कष्ट क्या है अगर झूठी मेरी कसम खाने की कोशिश की तो अपने हाथ में तलवार उठा करके पहले मैं उसका वध करूंगा और उसके बाद मैं तुझे जान से मार दूंगा इसलिए मेरी बात सुन ले उसे भोजन में जहर दे दे और मैं यह देखना चाहता हूं अगर वो मेरे भाई से तेरा हित नहीं है तो उसे मारने में तुझे कष्ट का एका हो रहा है कहने लगी महाराज कैसे समझाऊं कैसे समझाऊं मेरी बात सुन लीजिए मेरी जैसी औरतें तुम्हें हजारों मिल जाएंगी लेकिन सगा भाई नहीं मिलेगा और अगर तुम्हें शंका है हमारी बात पे तो आप मुझे मार दीजिए मैं मरने के लिए तैयार हूं लेकिन अरे भैया बिन भुज वाला सैया टूटे अरे भैया बिन
बोल प्रीतम टूटे और लगे जाए दागुनाई छूटे। महाराज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, अगर तुम्हें शंका है तो तुम मुझे मार दो, अगर भैया मर गया तो समाज के सामने तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, और भाई तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, इसलिए तुम मेरा वध कर दो और सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, हरदौल मुझे मां मानते हैं, मुझे मां समझते हैं। जोधार सिंह कहने लगा, मेरी बात सुन ले, केवल यही तो हमें देखना है, मां और पुत्र का जो रिश्ता बता रही हो, सिर्फ इतना देखना है कि तुम्हारा रिश्ता है तो है कैसा, भाई हमारा है, और अगर तुम्हारा उससे कोई लगाव नहीं है, कोई हित तो नहीं है, तो उसे जहर देके मार दो, ठीक है ना। और बोला, अरे मानो हमारी बात रे के मेरी प्राणन प्यारी, घर घर में चर्चा हुई राई रे, घर घर में चर्चा हुई राई रे, सब लोग हंसत दे तारी। तुम्हें ये नहीं मालूम कैसी कैसी चर्चाएं चल रही हैं, कैसी कैसी बातें चल रही हैं, और अगर तूने उस हरदौल को जहर नहीं दिया महाराज तेग में कर में धारूंगा, और पहले मारे बाई पिछारी तो को मारूंगा, सोई पैर पकड़ पति अपने के महारानी बिलखानी, सोई पैर पकड़ पति अपने के महारानी बिलखानी। सोई पैर पकड़ पति अपने के महारानी बिलखानी। जवाब दिया जुझार सिंह ने, अगर तूने उसे भोजन में जहर नहीं दिया तो मैं तेरा वध कर दूंगा, जान से मार दूंगा अपने भाई को भी, इसलिए हमारा आदेश है, मैं जा रहा हूं, और उसे भोजन में जहर दे देना। जुझार सिंह पैर पटकता हुआ आगे के लिए बढ़ा, पत्नी ने अपने पति की फिर रास्ता घेर ली। मेरी बात सुन लीजिए महाराज, मेरी बात सुन लीजिए, सैया मोए चाहे जैसे रे यंजबाइले, अरे दिलाया फाने को बह मुंह मिटाइले, जवाब दिया है महाराज मेरी बात सुन लो, तुम्हारी जैसे इच्छा हो वैसी मेरी अंजबाइश कर लो, मेरी जांच कर लो, लेकिन मुझसे यह नहीं होगा, जिन बर्तनों में मैंने अपने पुत्र को भोजन कराया उन बर्तनों में जहर कैसे दूंगी, जहर कैसे दूंगी। अरे सैया चाहे जैसे रे अंजबाइले, दिल अपने को बह मुंह मिटाइले, सिंह को तरस नहीं आया और जवाब दिया रो रो करके, यह आंसू बहा करके, हमें पिघलाने की कोशिश ना कर, मैं जा रहा हूं, और उस हरदौल को भोजन में जहर देके मार देना। बस इतनी बात कहने के बाद पैर पटकता हुआ जुझार तो चला गया। यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, मैं अपने बच्चे को जहर कैसे दूंगी, जिन बर्तनों में भोजन कराया, जिस गोद में लेकर के मैंने अपने बच्चे को पाल करके सियाना किया, उस बच्चे को मैं किस तरह से जहर दूंगी। ओ बेटा हरदौल, अरे भावई जा
कोनो पाप से आई वे। ओ प्यारे हर दौल मुसीबत कोनो पाप से आई वे। जुगला को हुईयो ना सुदाओ जाने पति मेरो बहकाई रे। बालापन से पाल के तुम को सियानो दो बनाई रे। धरती ने कफट जाइए सब दुख लेके जाई समाई रे। अरे धरती ने कफट जाइए सब दुख लेके जाई समाई रे। कर बेटा की याद नारी की हिलकी अब भर आई रे। आज वो माँ बुरे तरीका से बिलखने लगी, बेटा हरदौल मेरे पति को न जाने किसने जाके बहका दिया, लेकिन जिन बर्तनों में मैंने तुम्हें भोजन कराया, पाल करके मैंने तुम्हें सियाना किया, मैं अपने हाथ से तुम्हें जहर कैसे खिलाऊंगी। आज तुम घर से बाहर कहीं चले जाते तो अभी अच्छा था। बाद में दिमाग में आया, मेरे पति ने यह कहा है कि भोजन में जहर दे देना, मेरे पति ने यह कहा है कि भोजन में जहर मिला देना, तो मैं अपने पति की आज्ञा का पालन करेंगे, भोजन में जहर तो मिला देंगे और हरदौल को सारी कहानी सुना देंगे और कह देंगे कि बेटा इस भोजन में जहर है तुम यहां से भाग जाओ, तो दोनों बातें बन जाएंगी, मेरे पति की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होगा और मेरे बच्चे की जान भी बच जाएगी। ये सोच करके माने अरदासी लई बुलाई कहीं समझाई चली ने कजारी, और मेरे बेटा को टेर के मैल में जल्दी लारी। अरे दासी लई बुलाई कहीं समझाई चली ने कजारी, बहन मेरी जारी मेरे बेटा को तेरे के महल में अब तू लारी। भाभी ने आंसू पोंछ लिए और अपनी दासी से इशारा किया, बहन मेरे पुत्र हरदौल को बुला करके घर पे ले आओ और कहना कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलवाया है, तुम चली जाओ, जल्दी चली जाओ। और उमर को लचका कमर को दचका के दचका लगत कमर बल खाई।
खाए। जा गई बांधी बा गई बांधी बांधी लगी बराबर जाए। और तुम्हें बुलाओ महारानी ने चलियो अब तुम संग हमारी। के दासी ने हरदौल को उठाया और कर कर विनती कहे संग चल दीजे। भावज को न्यूता मान प्रेम से लीजे। महाराज बनाए विविध भांत पकवान। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भोजन तैयार किया है मेरे लाल। चलो जो उन्होंने बुलाया है और मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। हरदौल सोचने लगे भाभी इतना बड़ा हो गया मैं, आज तक मैंने ये समझ नहीं पाया कि मेरी माँ जिंदा है कि खत्म हो गई। तुमने मुझे एक माँ का प्यार दिया, लेकिन दासी हम तो रोज ही भाभी के आंगन में भोजन करते हैं, आज क्या कारण है? जवाब दिया बेटा तुम मेरे साथ चले चलो। तो हरदौल कहने लगे माफ कीजिए अभी तो हम तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे क्योंकि अभी मैंने स्नान नहीं किया है। इसलिए कह दीजो मेरी भाभी से जाए करके चरण में शीश झुकाए करके कह। मेरी मैया से जाए करके हम आते अब नहाए करके कही। अरे नित्य ने हम पूजा करके और मेरी भाभी से दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते कहना और कह देना कि हरदौल अभी आ रहे हैं, मैंने स्नान नहीं किया है, इसलिए बहन अभी तो हम तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे, थोड़ी देर रुको और उसके बाद हम चलेंगे। हुआ ऐसा वो दासी जो थी चली लौट करके घर के लिए, और जब घर के लिए चली हुआ ये कि जब लौट करके चली आई वो दासी और आ करके भाभी को सारी कहानी सुनाई है। जवाब दिया है तुम्हारे पुत्र हरदौल अभी आ रहे हैं। सोचने लगी भगवान आज हरदौल हमसे नाराज होकर कहीं चले जाते तो भी अच्छा था, आज घर पर न होते तो भी अच्छा था। हुआ ऐसा अरे मन में हुई मन ही न भवज चौका में बैठी गई जाई हाथन बर्तन नाया सुन से चौका रही लगाई। अरे करी हिम्मत बांधी भवज ने पलकन देरी लगाई कर बज्जुर को हियो दियो भोजन जहर मिलाई। करके कुमर की याद के फूट फूट की बिलखाई अपने दिल को पत्थर का बनाने के बाद में भाभी ने भोजन में जहर मिला दिया और जहर मिलाने के बाद अपने बच्चे को मार डालने के लिए तैयार हो गई। लेकिन दिमाग में यही आ रहा है, सोचने लगी चलो पति की आज्ञा का पालन हो गया, हरदौल के आते ही आते मैं सारी कहानी सुना दूंगी,
कि बेटा इस भोजन में जहर है, तो हरदौल यहाँ से भाग जाएंगे, मेरे पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा और मेरे पुत्र की जान बच जाएगी। ये सोच करके आंगन में जाकर के बैठ गई और उधर हरदौल चलने के लिए तैयार हुए। ओ तक उमर करो इस नाने, अरे शंभु को ध्यान भजन कछु कियो, और सम्मान सहित कछु दान रे ब्राह्मण को उनने दियो। रोज की तरह स्नान करने के बाद में भजन किया और भजन करने के बाद कुछ दान किया और दान करने के बाद हरदौल जो थे घोड़ा पे भय सवार, सुनो सरदार भव की गौहियो, असगुन लख चिंता बड़ी ध्यान जब दियो। असगुन लख छाती फटती ध्यानो जब दियो, असगुन लख छाती फटती ध्यानो जब दियो।